मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और खासकर मैं शाहिद खटक और उनकी टीम का आप सबका मशहूर हूँ। यहाँ पर बहुत से बातें हो गई, शाहिद खटक साहब ने बात की, हमारे और दोस्त इनायत ने बात की, मुजाहिद खटक ने बात की। एक बात उन्होंने छेड़ दी कि यहाँ पर पहला वजीर आला है कि आप आए हैं यहाँ पर, तो मैं समझता हूं कि जो पहले पार्टियों की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में रही, उनके पास कुछ था नहीं, वो सिर्फ अपने जेब भरने के लिए काम करते थे, बाकी लोगों के लिए वो कुछ नहीं करते थे। इसलिए ना उनके पास कोई प्रोजेक्ट्स थे कि वो जाए लोगों के साथ मिल ले, न उनके पास कोई पॉलिसी थी, न वो लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, तो उनका एजेंडा कुछ और था। मेरा एजेंडा, प्राइम मिनिस्टर साहब का एजेंडा है, इमरान खान साहब का जो एजेंडा है, जो पीटीआई का विजन है, वो मेरा विजन है, वही मेरा एजेंडा है। अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने कौम पर इन्वेस्टमेंट करनी है, ये मेरा आप लोगों से वादा है। उन्होंने डीपी बना लिया आप लोगों के लिए, करेक्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो आपके लिए तरक्की की नई राहें खोलेगा। ये वही लोग, ये वही प्रोजेक्ट होगा जो पहले ही आपके रॉयल्टी के पैसे जो आते थे ये अपने जेबों में रखते थे, लेकिन इमरान खान का ये आधा सिपाही और ये आपका शेर जैसा एमएनए आप लोगों को इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट करेगा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, ये जनूबी अजला से भी एक वजीर आला रहा, उन्होंने शायद पन्नू में इतना काम किया है कि सारे गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उस पर अपने दादा और नाना के नाम रख दिए, बस उन्होंने और कुछ नहीं किया। एक ही हल्के में बाकी पन्नू को भी वैसे छोड़ दिया था, पिछली हुकूमत में उस पन्नू को हमने पन्नू बना दिया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोजेक्ट्स इस हुकूमत में आप लोगों के लिए होंगे और आपके सामने होंगे और इंशाल्लाह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगे, ये मेरे आपसे वादा है कि एक एक पाई एक एक रुपया आप लोगों पे इन्वेस्टमेंट होगी और आप लोगों के सामने होगी इंशाल्लाह। मेरे दोस्तों, आपके लिए एक और खुशखबरी, जो इंशाल्लाह 31 जनवरी से इस माह के आखिर में जो सेहत इंसाफ कार्ड, सेहत कार्ड प्लस जनूबी अजला के तमाम भाइयों बहनों के लिए बिल्कुल फ्री होगा। 10 लाख रुपए पर फैमिली आप लोगों के अकाउंट में होंगे, खुदा न करे आप बीमार हो, लेकिन इंसान बड़ा कमजोर होता है, अगर बीमारी आएगी तो कम से कम ये आपको पता होगा कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए मौजूद है और आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में अपने शनाख्ती कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। ये इमरान खान की तरफ से आप लोगों के लिए एक और तोहफा है और इंशाल्लाह ये कम जून जुलाई से हम अपने आयामा कराम को, जो हमारे मुफ्ती हजरत है, जो हमारे उलमाए कराम है, उनके लिए 10,000 रुपए एजाज या इंशाल्लाह परमानेंट को शुरू हो जाएगी। ये जो खान साहब रसीद मदीना के बात करते हैं, ये वही तरफ उसकी तरफ एक कदम है। एहसास प्रोग्राम आप देख ले, खैबर पख्तूनख्वा की हेल्थ किट का प्रोग्राम आप देख ले, अब ये जो हम अपने आयमा कराम को देने जा रहे हैं एजाजिया, ये देख ले, ये वही चीजें जो हमें हमारे दीन से मिली है, लेकिन बदकिस्मती से जिन लोगों ने इस्लाम के नाम पे वोट दिया है उनके अब 3 अरब रुपए की प्रॉपर्टी इस्लामाबाद में आ रही है, कह रहे कि हमारे दोस्तों ने हमें दिया था। बुलाया ऐसे दोस्त हमें और भी दे दे, हमें भी दे दे ऐसे दोस्त। ये जो 3 अरब रुपए के आपके महलात हैं इस्लामाबाद में, ये किधर से आए हैं? आप इनकी बड़ी ट्रायल देंगे, ये आप देंगे, जरूर देंगे। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी वजीर आला गुजरे हैं, पहले वो क्या थे, और जब 5 साल उन्होंने हुकूमत की उसके बाद उनके पास कितने पैसे और दौलत और माल आया उनके पास। मैं जब जाऊंगा मैं ये साबित करूंगा कि मैं अपने दादा की जो जमीन मुझे विरसे में मिली है उसमें भी कमी आई होगी, ये मैं आपको रिटर्न दे दूंगा इंशाल्लाह। हम आए आप लोगों की खिदमत के लिए, हमारा विजन है आप लोगों को उठाना, वही इलाके
जो बिल्कुल उनमें कोई तरक्की नहीं हो सकी उसको उठाना है, और जो तरक्की अवधा और हमारे डिस्ट्रिक्ट है उनको बिल्कुल हमें इक्वल करना है। तो ये तरीके इंसाफ का एजेंडा है, ये इमरान खान का विजन है। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान के लोग और फिर खैबर पख्तूनख्वा के लोग और आपके इन नारों में नहीं आएंगे। ये रोड जो अभी मैं इधर से गुजर रहा था, ये पनू ओल्ड रोड जो है इसकी ड्यूटिलाइजेशन, इसका रिवाइज रिज्यूम हो गया है। 4 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, 2 अरब रुपए दीजिए, इंशाल्लाह ये इसी हुकूमत में बन जाएगा। ये वे लोग ये सारे ठेकेदार है, ये सारे कॉन्ट्रेक्टर है, जिस तरह मेरे दोस्तों ने बात की इनके ठेकेदार भी ये लोग थे। पर पता नहीं, अफसोस की बात है कि किस तरह ये आप लोगों से सिलेक्शन में जीत गए। लेकिन इंशाल्लाह 2023 में करक फिर पाकिस्तान में एक इंसाफ का होगा इंशाल्लाह।